हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कल की बात आज आ रही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में मैं आज ही आपको एक्सपायरी वाले दिन बताने वाला हूँ कि कल फ्राइडे का टॉप क्या बनेगा, बॉटम बने क्या बनेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस दिखाना चाहता हूँ, कल मैंने आपको क्या बोला था, आज 250 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हुई। जहां से बोला पिन पॉइंट एग्जैक्ट वही लेवल आया और वहां से 250 पॉइंट निफ्टी पे गिरा है, और बैंक निफ्टी की खुद देख लेते हैं लाइव मार्केट के अंदर। चलिए तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि बॉस मार्केट में पैसा बनता है तो कैसे बनता है, ऑपरेटर की स्ट्रैटेजी क्या होती है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, इंट्राडे रणनीति क्या है, वो भी एडवांस में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निफ्टी फ्यूचर्स सर, आज तो आपका आशीर्वाद लेना बनता है। दोगे कि नहीं दोगे? 19,870 का लेवल क्या बोला था, इस जोन में क्या करना है, 19,947 आपको याद है, क्लियर कट चिल्ला चिल्ला के बोला था, ओनली थिंग फॉर द सेल। आज मार्केट गैप अप खुला, इसी जगह पर रिस्पेक्ट किया, डबल बॉटम बनाया, और उसके बाद कबड्डी कबड्डी खेलते खेलते 19,870 से सीधे 19,610 250 पॉइंट के रैली सिर्फ और सिर्फ किंग रिसर्च के ट्यून में मार्केट आज डांस करता रहा, राइट। आज बहुत सारे जो राइटर्स थे उनके कपड़े उधेड़े गए होंगे, नो डाउट मार्केट एक तरफ पे घुसाया होगा। कुछ लोग जो स्मार्ट है, जैसे कि किंग रिसर्च है, सॉरी गाइस मैं बोल सकता हूँ क्योंकि आज मैंने अपने एल्बो में 1 लाख रुपए के आसपास हमारी टीम ने कमा के दिया एल्बो के माध्यम से। सो खासियत यह है, 80 लाख के इन्वेस्टमेंट में 90,000 रुपए का एमटीएम बनाया एल्बो में, जो कि राइटिंग है, कल की बात आज को राइट करके हम लोग करते हैं। साथ ही साथ एक और अकाउंट, जो छोटा सा अकाउंट है 20 लाख रुपए का, उसमें भी करीब करीब 40 से 45,000 रुपीज का उस अकाउंट में एक नई स्ट्रैटेजी को लगा के हमने कमाया है। तो इस तरीके के मार्केट में अगर एल्गो पैसा बना के दे रहा है, 80 लाख के इन्वेस्टमेंट में 90,000 रुपए बना के दे रहा है, कमेंट करके बताना कितने परसेंट का आरओआई, ठीक है। 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग 45,000 रुपीज का प्रॉफिट बना रहे हैं, वो भी हफ्ते भर में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कितना परसेंट का आरओआई होता है। आगे चल के बहुत कुछ दिखाऊंगा, बहुत कुछ मैजिकल लेवल्स है, काफी सारे लोगों के अप्रोच भी आ रहे हैं कि सर हमें एल्गो के चाहिए आप लोगों का, तो थैंक यू सो मच, आप लोग से कनेक्ट हो जाएंगे, हमारी टीम आपको अपडेट कर देंगी, जब आप कंफर्टेबल होगा तो डेफिनेटली उस मुहिम में हम लोग साथ में जुड़ के काम करेंगे, राइट। बाकी अगर आपको भी लगता है कि यार हमारे साथ जुड़ना है एल्गो के माध्यम से, कॉल करें 8468811500, मिनिमम कैपिटल शुड बी 20 लाख, कम से कम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा तभी हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है मॉस मेरे को आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देने में, राइट। चलिए तो ये पिन पॉइंट लेवल 870-250 पॉइंट की गिरावट, रात गई बात गई, सर कल बताओ ना तब मानू, आप तो तुक्का लग गया होगा। यस आई डू एग्री, आप तुक्का लगा होगा, एक दिन दो दिन तीन दिन लगेगा, बैक टू बैक 10 दिन हमारे लेवल्स को देखिए, आपको तुक्का नहीं मैजिक लगने लगेगा, रियलिटी दिखने लगेगी कि बॉस चार्ट बोलता है, डंके की चोट बोलता है, एडवांस प्रिडिक्शन के साथ बोलता है, जहां पे पिन पॉइंट लेवल हमारे काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहला टारगेट आपको बताया सर, 870 के बाद 770 का पहला टारगेट था, और मैंने बोला था 747 के नीचे तो और ठुकाई होगी, बिंदास सेल करेंगे। 670 का पहला टारगेट था आपके सामने है, और 570 का दूसरा टारगेट था, ऑलमोस्ट 670 का दूसरा टारगेट अचीव, और तीसरा टारगेट नीचे था, नहीं हुआ कल करा देंगे, क्या बोल रहे हो। एनीवे तो अब कल की स्ट्रैटेजी मेरी बात समझ लो, कल की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। मेरे दोस्तों, मेरा जो लक्ष्मण रेखा है निफ्टी फ्यूचर्स का, ध्यान से समझना, जब तक मार्केट स्पेशली इन निफ्टी फ्यूचर्स, जो जब तक मार्केट 670 के नीचे है मैं बाइंग करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, जब तक मार्केट 947 के नीचे है मैं बाइंग करने के, आपको सर नीचे का भी बोल दिया ऊपर का भी बोल दिया, सुन लो, इसलिए बोलता हूं, वीडियो को भगाना नहीं है, आराम से समझना सो दैट आपको प्रॉपर चीजें समझ में आए। सर 747-770 अगेन एक हडल है, हो सकता है कल मार्केट यहां पे और यहीं से फिर घुसने की कोशिश करेगा, तो ये एक जोन है आप लोगों के लिए इंट्राडे फ्राइडे के लिए। अगर बाई चांस मार्केट 647 के नीचे जाती है, 19,647 के नीचे जाती है, तो आप बिंदास सेल करेंगे, पहला टारगेट होगा 19,570 और दूसरा टारगेट होगा 19,470, और इस जोन में दोबारा अपॉर्चुनिटी ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने का, आज से नहीं, 10 दिन से चिल्ला रहा हूं कि मार्केट में एनी पैनिक, एडवांस में बता दिया इसी जोन से बाइंग करना है, आज भी रिपीट नहीं करूंगा, तो इस अपॉर्चुनिटी में आप देख सकते हो बाइंग करने का एंड सिट रिलैक्स, राइट। तो ये हमारे लेवल्स, अच्छा
अगर दोबारा डेड कैट बाउंस होती है तो इसी जगह पे मैं फिर सेल करूंगा, अभी बाइंग करने के मूड में नहीं हूं, अंटिल एंड अनलेस 19,947 के ऊपर ना सस्टेन करे। 947 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट मेरा होगा 20,145 का। गाइस मैं 10 15 20 50 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, अगर काम करना है तो बड़े टारगेट्स के लिए करना है, जैसा नाम है किंग रिसर्च, वैसे बड़े टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बिलीव करता हूं, अपने सिस्टम से निकालने की बिलीव करता हूं। अच्छा, आज वीडियो के एंड में एक गुड न्यूज भी मैं आपसे शेयर करूंगा सर, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था आज मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च, वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं। अब आ जाओ बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स मजा आया या नहीं आया आप मुझे बताना। सर मैंने एक चीज बोली थी कि 46 to 56 का ऊपर इंपॉर्टेंट हर्डल है बोला था, और ये भी बोला था कि बॉस 45,856 के नीचे आएगा तभी सेल करेंगे, अदरवाइज इस जोन में आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट आया इसी जगह पे दो बार इसे टप्पा खाया सर, डबल टॉप बनाया और वहां से गिरा, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मैंने क्लियर कट बोला था कि भैया 256 के ऊपर का सस्टेन करेगा तो ही बाइंग करेंगे, रिजेक्ट करेगा तो सेल करेंगे। तो जो स्मार्ट थे उन्होंने सेल करके मोटा पैसा बनाया, स्क्रीनशॉट आया आज मेरे पास 3-4 स्क्रीनशॉट्स बड़े एमटीएम वाले हैं, सो थैंक यू सो मच। 1,00,000 के ऊपर उन्होंने एमटीएम बनाया, कल की बात आज को फॉलो करके। सो ये बिलीव है आप लोगों का, इसीलिए मैं ये लेवल्स भी काम होते हैं, जिस दिन आप लोग बिलीव करना बंद कर दोगे सर ऑटोमेटिकली मॉरल किंग रिसर्च का डाउन हो जाएगा और फिर मैं इस तरह के लेवल्स आपको दे ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, सो दैट ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन हमारी टीम को मिल सके, मुझे मिल सके, और मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को डेडिकेटली बिना भूले बिना भटके आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लेवल्स निकाल के दे सकूं, राइट। तो अब कल की जो स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी की, वो लक्ष्मण रेखा जोन जो होगा 46,256 एंड 46,456 का ये लक्ष्मण रेखा जोन है, इसी जोन पे आएगा दोबारा सेल करेंगे, नो बाइंग एट ऑल। बाइंग कब करना है, इस जोन में सेल करें और स्टॉप लॉस लगाए 46,647, राइट। तो 256,456 के जोन में आपको सेल करना है, 647 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एंड सेटल लॉस। पहला टारगेट होगा 45,856 का, दूसरा टारगेट होगा 45,256 का। अगर कल गैप अप खुलती है उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, बाय चांस कल फ्लैट खुलती है यू शुड हैव पेशेंस, फ्लैट खुलेगा तो आपको यहां पे ट्रेड नहीं करना है, वेट करना एक छोटे से बाउंस बैक का, कम से कम 856 तक का हर्डल का, यहीं तक आएगा, आने के बाद जब गिरावट आएगी यहां पे टॉप पे आप रेजिस्टेंस मान के यहां पे टॉप पे एक सेटअप ढूंढ सकते हैं और उसके बाद सेल करिएगा, तो आपको 45,800 का पुट इस जोन में आए तो आप सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, और टारगेट होगा 45,256 का। तो ऑप्शंस को भी जब ये फ्यूचर में ये लेवल आ जाए तब आप अपने ऑप्शंस में से एग्जिट कर सकते हैं। अब 45,156, 44,856 ये मेरा लक्ष्मण रेखा है लोअर लेवल का, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने के लिए, बाइंग करने का आपको मैजिकल लेवल निकालना है, और अगर आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग करने का तो मेरे दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस होगा 44,656 का रहेगा। स्टिल आपको लगता है कि मुझे अगर थोड़ा सा हैरी सर के साथ मेंटरशिप मिल जाए, लाइव मार्केट में सर मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे तो मजा आ जाएगा, तो कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप जरूर जुड़िएगा, वहां पे मेरी कोशिश रहती है आपको लाइव मार्केट में किसी तरह का सिनेरियो कहीं फंस रहे हो तो मैं आपको गाइड कर सकूं, डेडिकेटली आपको सपोर्ट दे सकूं, सो दैट आप मार्केट में थोड़े से अगर मेरी हेल्प से अगर आपको प्रॉफिट बनता है, लॉस नहीं करते हो सर, मेरा तो दिन बन जाएगा, आपका दिन बनता है नहीं बनता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल दोनों बता दिए हैं, और हाँ 46,656 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ऊपर के टारगेट 47,156, 47,470 तक के टारगेट आने को देख सकते हैं। तो ये पूरा सारांश, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे इन लेवल्स को ड्रॉ करिएगा और उसके बाद देखिएगा, ये कहीं ना कहीं भले ये रेजिस्टेंस है लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करके फिर ये सपोर्ट का काम करता है, ये एक रेजिस्टेंस है बट ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा फिर ये सपोर्ट का काम करता है, तो आप थोड़ा सा अपना भी यूज करके सर आप यहां पे मार्केट से बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और जो राइटर्स हैं उनके लिए तो जबरदस्त है, ऊपर के लेवल दे दिए, बॉटम के लेवल दे दिए, अब आपको पता है कैसे प्रीमियम को चूसना है, चूस के निकाल के फेंकना है, राइट। सो ये है, अब आ गई गुड न्यूज मेरे दोस्तों, स्पेशली मुंबई, आमची मुंबई वाले, मैं आप लोग के पास आ रहा हूं मुंबई फर्स्ट टाइम, 1 साल के बाद मैं अब अपना वर्कशॉप स्टार्ट कर रहा हूं, जिस चीज का आपको इंतजार था, ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी। ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी कितने लोग सीखना चाहते हैं कमेंट करके #ब्रेकफास्ट विद किंग या फिर ब्रेकफास्ट विद हैरी जरूर करके लिखना, मुझे समझ में आ जाएगा कितने लोग मुंबई के स्पेशली, तो आपके एरिया भी डिसाइड है मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन 15 अगस्त को आई एम ट्राइंग टू कम
डेट भी अनाउंस कर दूंगा, लेकिन मैंने प्लान किया कि 15 अगस्त के आसपास ही है, छुट्टी है, आप लोग आ सकते हो। तो सुबह एक दिन का हमारा सेशन रहेगा, सुबह .10 बजे से कोशिश करेंगे, 10 बजे से शाम को हम लोग 7 से 8 बजे तक सेशन लेंगे, क्योंकि मेरे को आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी देनी है, जो कि 10-15 मिनट के अंदर जो मैं पैसा बनाता हूँ वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग पैसा बनाएं और मुझे रोज अपना इंटरम भेजे कि सर हम भी बना रहे हैं, 1000-2000 से स्टार्ट करेंगे, 25-30-40-50 हजार रुपए कैसे इंट्राडे का बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा इंटरम देखना चाहोगे, आज मैंने ब्रेकफास्ट में कितना बनाया दिखा दूं, चलो आ जाओ सर। सुबह सुबह मैंने ट्रेड किया है आज अपने अकाउंट में, सर मैंने दिखाना बंद कर दिया, ये सर मैंने एग्जिट किए आज, ठीक है। तो ये सब में मेरा इन्वेस्टमेंट था, आप देखो 28 शेयर 100 शेयर 200 500, तो इन सब स्टॉक्स में मैंने एग्जिट किया अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करके, जो कचरा था उनको बाहर निकाल दिया, जो अच्छे थे उनको रख लिए और ऐड कर लिए। तो एनीवे मोटा मोटी जो मेरा सुबह आज का ब्रेकफास्ट है आप देख सकते हो, 47,000 रुपीज का प्रॉफिट आज मैंने इंट्राडे बनाया। अब जो लोग मेरी इस ब्रेकफास्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझ में आ गए होंगे, सर देखो मात्र 1 मिनट के अंदर सिप्ला मैंने सुबह सुबह जो टॉप गेनर में था उसको बाइंग किया 44 रुपीज में और बुक किया 51 पे 52 पे 52 पे, कितने मिनट पे, 9:15 से 9:17, कितने मिनट में, 2 से 2.5 मिनट के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो। 6500 क्वांटिटी को मैंने बाई किया 44 रुपए पे और बुक किया 52-53 पे, कैलकुलेट करके बताना कितना बनता है, 45,000 रुपए सुबह सुबह इंट्राडे में 5 मिनट के अंदर डन। सीक्रेट दिखाया मैंने आपको उसमें। अब जो लोग जिनका केमिकल लोचा चलता है दिमाग के अंदर वो सब कैलकुलेट करेंगे, सर ने कैसे किया, क्या 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 कैलकुलेशन कर लो देख लो, ये मैं आपको मुंबई में आकर सिखा मैं ब्रेकफास्ट स्टार्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रेकफास्ट के बाद 10:30 बजे के बाद मूवमेंट आता है, नोटिस किया 10-10:30 बजे मूवमेंट आता है, एक वो स्ट्रैटेजी जिसको मैं बोलूंगा लंच बॉक्स स्ट्रैटेजी, उसके अलावा चार्ट की साइकोलॉजी दूंगा सर, एनीवे वो सेशन में बात करेंगे, यहाँ पे फालतू टाइम पास नहीं करेंगे, वो बस आपके समझ जाओ कुछ चार स्ट्रैटेजी मैं आपसे पावरफुल लेके आने वाला हूँ, विद साइकोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ भी लेके आने वाला हूँ। एक दिन का सेशन रहेगा मात्र 1 दिन का, सुबह 10 बजे स्टार्ट करेंगे, शाम को 6-7-8 बजे तक जब तक आप मेरे साथ हो तब तक स्टार्ट करेंगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है कमेंट करके बताना, सो दैट मैं आप लोगों से लिंक शेयर कर दूं, आप लोग रजिस्टर कर देना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। मेरे दोस्तों लिमिटेड सीट रखूंगा, क्योंकि सर मैं नहीं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा क्राउड आ जाए फिर मैं संभाल पाऊँ नहीं संभाल पाऊँ, तो लिमिटेड लोगों के लिए ही वो सेशन रहने वाला है, जो पहले आ रहे हैं उन्हीं के लिए रहेगा, बाकी सब लोगों से माफी चाहूंगा। तो रजिस्टर्ड कर लेना एटलीस्ट अपने आपको एक छोटे से फीस दे के, सो दैट मुंबई में धमाका आई विल शो टॉप पे और बॉटम पे कैसे ठोका जाए बाइंग किया जाए वो सिखाने वाला हूं, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, 5 मिनट के अंदर सिर्फ प्राइस एक्शन के माध्यम से मैं आपको सिखा दूंगा। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है रजिस्टर करके जरूर आना, रिवाइज तो करो, करने कौन कौन सी स्ट्रैटेजी रिवाइज करके दी है कौन कौन सी नहीं दी है आपको भी समझ आएगा। तो ये इसके अलावा एक ज्ञान की बात कर लेते हैं, आज आपने देखा सिप्ला, सिप्ला का शेयर कितने लोगों ने देखा, आज मैंने सिप्ला में काम किया है, ब्रेकफास्ट भी किया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा 1 दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन, मैंने सिप्ला में कर लिया था, ब्रेकफास्ट में अपन सिखा देंगे। सर देखो यहां पे कहीं ना कहीं 100 रुपीज की चाल आई है, 9% की रैली दी है सिप्ला ने, 100 रुपए की चाल आई है, 9% की रैली दी है सिप्ला ने, चार्ट क्यों नहीं खुल रहा है, चलो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। एनीवे तो ये सिप्ला आज मैंने ब्रेकफास्ट किया था, चार्ट खुल रहा नहीं दिखा पा रहा हूं। एनीवे सर ये एक स्टॉक जो मैं आपको बोलूंगा बिंदास बाइंग कर सकते हैं, सोना कैम्प इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा टारगेट 787 का रहेगा, और एक दूसरा स्टॉक IST लिमिटेड, रिसर्च करना गूगल करना फंडामेंटल चेक करना, समथिंग कुकिंग वेरी बिग 670-690 के रेट चल रहा है, आने वाले टाइम में 1200 रुपये हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, 1 साल के अंदर भी हो सकता है, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना। मेरा स्टॉप लॉस नीट एंड क्लीन है 410 का, दो स्टॉक्स मैं आपने लेके आया हूं, बाकी सिप्ला मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूं, नहीं तो सिप्ला के अंदर भी दिखाता कि सुबह सुबह सिप्ला को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे हमें पता चलेगा कौन सा स्टॉक आज टॉप गेनर पे बैठने वाला है। और हिंट दूं क्या कल ACC टॉप गेनर पे बैठेगा, आज ही बता रहा हूं कल का स्टॉक बताना जरूर, ठीक है, थैंक यू सो मच, हो सकता है कल मैं ACC में ब्रेकफास्ट करूं अपना, ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया है। अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूं समझता हूं सुनता हूं, मोटिवेट करता हूं अपने आपको अगले दिन आप लोगों के लिए अच्छे लेवल्स निकालने के लिए। तो मिलते हैं 15 अगस्त मुंबई।
लिंक अभी नहीं है, कल परसों के अंदर लिंक आपसे मिल जाएगी, रजिस्टर्ड कर लेना। जय हिंद। बट हैशटैग ब्रेकफास्ट विद हैवी लिख के कमेंट करके बताना कितने लोग इंटरेस्टेड है। जय हिंद।